मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और भी ज़्यादा बूढ़ी हो गई। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर से एक आध बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना करता, फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे, तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती है, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई, उनके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं है, जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा, अब हम साथ ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है, माँ ने बेटे से कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई, सबको लगा माजी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी ना समझा था, अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे। लेकिन अब मजबूर थी, बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर बेचने के लिए घर माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं लेकिन जिन जिन चीज़ों को दिल से लगाया था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर जाकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ, वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया, माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना चाहती हो माँ जी? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मैं मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है, अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आँखों से आंसू के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए में उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा,
माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती है? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रही हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। तो दोस्तों, आपको एक माँ की दर्द भरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कहानी सुनने और पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।